जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भाजपा नेताओं के पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेताओं के लिप्त होने पर बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जांच तो करवाओ। उन्होंने कहा कि इस मामले को 8 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक जांच शुरू नहीं की गई। रफीक खान ने भाजपा से पूछा कि आखिर जांच क्यों नहीं करवाई जा रही और इसमें जो भी दोषी हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। रफीक खान ने किरोड़ीलाल मीणा का भी उल्लेख किया और कहा कि पहले उन्हें मंत्रालय दिया गया, फिर उसके 4 टुकड़े कर दिए गए और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रफीक खान ने दावा किया कि किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा भाजपा के खिलाफ था। विधानसभा सदन में सत्ता पक्ष की दादागिरी की भी चर्चा की गई। रफीक खान ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक पर्ची देकर उन्हें निर्देशित कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के पास इस मुद्दे का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा रफीक खान ने कहा कि प्रशासन ने गलतापीठ पर कब्जा कर लिया है और कोर्ट भी आड़ में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्या षड्यंत्र है जो रातों रात कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी चीजों पर हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना जा रहा लेकिन गलतापीठ के मामले में हाईकोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। रफीक खान ने सरकार से आग्रह किया है कि वह अपना मापदंड तय करे और सरकार के मंत्री, विधायक और प्रशासन पर नियंत्रण रखे। 8 महीने हो गए सरकार को और जांच नहीं करा रही है, क्या कारण है? हम तो उल्टा सवाल कर रहे हैं और जांच कराए सरकार। और मैं तो खुली चुनौती देता हूँ कि जो भी आपको लगता है इसके अंदर किसी का दोष है तो उसको अरेस्ट करे, अब तक उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अब तक खाली घुमा फिरा करना, और पहले तो आपने किरोड़ीलाल जी को आपने मंत्रालय दिए, मंत्रालय के 4 टुकड़े कर दिए आपने, और फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उनका रेजिग्नेशन कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, उनका रेजिग्नेशन इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ है उनका रेजिग्नेशन। सरकार से संतुष्ट नहीं है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब वो क्या उन्होंने कहा है, कल क्या SOG में बयान दिया, इसकी डिटेल आएगी तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन एक और ज़रूरी मुद्दा, दो बातें और मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल जिस तरह हमें मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा सदन से, इस तरह की दादागिरी सत्ता पक्ष की आज तक नहीं देखी। राजेंद्र पारीख जी जो हमारे सबसे सीनियर विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंने मेरे 35 साल के टाइम में आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई मंत्री जवाब दे रहा हो और पूरा पढ़ा हुआ जवाब देवे। आंकड़ों के लिए तो पढ़ते हैं लोग बात, पूरे डाटा को पढ़ करके जवाब देवे और फिर हाउस में दूसरे बैठे लोग उनको इन्फ्लुएंस करें, पर्चियां लिख के देवें, बीच में बोले कि आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट मंत्री हैं, मंत्री लोग सक्षम नहीं है जवाब देने में। और मैं एक बात संसदीय कार्य मंत्री को लिए भी कहना चाहता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री कोई गरिमा नहीं रख रहे हाउस को चलाने की। कभी कभी आसन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कभी मंत्रियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से चलनी चाहिए उस तरीके से सरकार नहीं चल रही है। और दो विषय और जो बिल्कुल ताज़ा घटित हुए हैं अभी, कि कल प्रशासन ने गलतापीठ का कब्जा ले लिया, कोर्ट के डिसीजन की आड़ में ले लिया। ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसा क्या मामला है, क्या कॉन्स्पिरेसी है, क्या षड्यंत्र है कि आप गलतापीठ का कब्जा ले रहे हो रातों रात जा करके, हाईकोर्ट का बहाना दे रहे हो। स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं ईदगाह के ऊपर, उनके ऊपर हाईकोर्ट का स्टे है, उस वक्त हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहे हो। जब थड़ी ठेले वाले सड़क पे बैठे हैं हाईकोर्ट का स्टे लेकर के, उन पे स्टे का उस उन पे हाईकोर्ट का डायरेक्शन नहीं मान रहे हो। और गलतापीठ जो हमारे यहाँ आज़ादी से पहले 300-400 साल पुरानी धरोहर, और उसके ऊपर आप हाईकोर्ट का आदेश मान रहे हो और उसमें उसका कब्जा ले रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपने मापदंड तय करे। बहुत मुखर आवाज़ें उठ रही है, इस तरह की कार्यप्रणाली सरकार को संशय में लाती है। अधिकारी बेलगाम है, MLA बेलगाम है, मंत्रियों को कुछ ज्ञान नहीं है, तो किस तरह से हाउस चलेगा मैं कह नहीं सकता। 8 महीने में आज भी ये बात करेंगे आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया। अरे भैया 8 महीने से तो आप हो, कुछ करो तो सही, हनीमून पीरियड से बाहर आओ। अब तो आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया, अब तो सड़कों पर आओ, काम करो जनता के। आज भी आप पिछली सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हो, और मैं दावा करता हूं कि जब 5 साल बीतेंगे तो कंपैरिजन कर लेना कि कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया और इन्होंने कितना काम किया। आम आदमी के लिए कोई काम नहीं है। कल सवाल उठा,
कि 100 यूनिट बिजली सब सभी को देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? सरकार का कोई जवाब नहीं है, कह रहे हैं नहीं हम नहीं देना चाहते। ये क्या दादागिरी है भाई? अगर कोई पॉलिसी है हम लेके आए हैं और उस पॉलिसी के अंदर हम ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट सबको दो, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सरकार पे प्रश्न है, सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न है।